सिलेंड्रिकल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें काम कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम इसमें आते हैं, इसमें हेड स्टोव वाले पोर्शन में, ठीक है। ये हेड स्टोव है, ठीक है, ये हेड स्टोव है। तो हेड स्टोव वाले पोर्शन में ध्यान से देखिए, ये जो पीछे वाली गियर बॉक्स है, ये आपका जुड़ा हुआ रहता है मोटर के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है मोटर से, मोटर के साथ गियर बॉक्स में जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक स्पीड आपको जितना मात्रा में चाहिए, रिक्वायरमेंट आपकी जिस हिसाब से है, अगर आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है स्पीड के, ज्यादा स्पीड के, तो वहां से गियर बॉक्स जो है गियर को अरेंज करके आपको स्पीड ज्यादा कर देगी, अगर आपको कम चाहिए तो आपको कम कर देगी, ठीक है। यहां से गियर बॉक्स से आपको मिल गई। अब देखिए यहां पे जैसे ही ये आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ती है, ये आपको जैसे मैंने कल भी बताया था, ये स्पिंडल है, स्पिंडल पे लगे हुए रहते हैं आपके चक, चक और चौक पे लगे हुए रहते हैं आपके जॉ। तो जॉ क्या करता है, जॉ मूवेबल होता है, ठीक है। जॉ को आप आगे पीछे मूव करा सकते हैं इस टाइप से, अगर तीन जॉ लगे हुए हैं, देखिए इस टाइप से अगर तीन जॉ लगे हुए हैं आपके जॉब पे, और ये आपका वर्कपीस है, ये भी सिलेंडर है, यहां पे आप रखो, फिर धीरे धीरे जॉ को एडजस्ट कराते हुए वर्कपीस को पकड़ लो, इस तरीके से पकड़ा दिए, यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह करना रहता है, अलाइनमेंट कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही आप पावर ऑन करते हो, ये जो वर्कपीस जो है आपका मूव होने लगता है, ऐसे घूमने लगता है, जितना स्पीड में आपको घुमाना है, जिस हिसाब से आपको काम करना है, ये मूव होने लगता है, ठीक है। उसके बाद ये जो टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट में आपके टूल्स लगे हुए रहते हैं, आपको जिस हिसाब का फिटिंग करना है, अगर आपको जैसे कि ड्रिलिंग के लिए आपको किस टाइप का टूल लगता है, आपको पता है ड्रिल बिट लगता है, उस टाइप का सरफेस फिनिशिंग करना है, उसके लिए आप उस हिसाब का टूल बना लोगे, ठीक है, या तो मार्केट में भी बने बनाए टूल मिल जाते हैं। तो जैसे ही आप देखो ये है वो फेस, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, अगर आपको ड्रिल करने हैं तो यहाँ पे आप ड्रिल बिट को लगा दो, ये मूव कर ही रहा है, धीरे धीरे इसको पुश करते जाओ, क्या लगता है ड्रिल नहीं होगा, आसानी से ड्रिल हो जाएगा। इसी तरीके का अगर आपको सरफेस फिनिशिंग करना है, मतलब कि इसके जो ये वाले सरफेस है इसको आपको एक समतल करना है, तो तब भी आप इस पोर्शन पे रख दो, सिर्फ कटिंग टूल को यहाँ पे रख दो, ये मूव कर रहा है, चारों साइड एक समान कर देगा। चलिए ये तो इतने ही पोर्शन में हो गया, ठीक है, ये मशीन अब आगे मूव करेगी। चलिए इसके लिए मैं बता देता हूं इसके बारे में थोड़ा सा कैसे। देखिए हमारे पास जितने भी सारे आप वर्किंग देखे होंगे, आप चाहे लेथ का देखो, बिलिंग का देखो, ठीक है, ड्रिलिंग का देखो, उसमें क्या होता था, अभी तक जो हम लोग देखते आए थे जितने भी आप मैकेनिकल बेसिक्स वर्क है, उसमें क्या होता है कि वर्कपीस जो है जिस पे आपको काम करना है वर्कपीस, उसको हम लोग कॉन्स्टेंट रखते थे, और जो कटिंग टूल है जिसमें हम कट करेंगे, कटिंग टूल मूव करता था, यहां पे उसका ऑपोजिट होता है लेथ में। यहाँ पे मूव क्या कर रहा है, मूव क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका वर्क पीस जो है वो मूव कर रहा है, कटिंग टूल मूव नहीं कर रहा, कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन एडजस्ट करने के लिए हम उसको करेंगे, आगे पीछे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये ट्रॉन वाला पोर्शन जिसपे आपका कंपाउंड रेस लगा हुआ रहता है, ऊपर में लगा हुआ रहता है आपको क्रॉस लाइट। देखिए ये जो कंपाउंड रेस वाला बड़ा वाला पोर्शन है, इसके ऊपर आपका ये वाला क्रॉस लाइट वाला ये वाला पोर्शन लगा हुआ रहता है, उसके ऊपर आपका टूल पोस्ट लगा हुआ रहता है। तो ये जैसे मूव करता है, ठीक है, ये मूव करता है ओनली फॉरवर्ड रिवर्स, ठीक है। इसको आप बिल्कुल घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज आगे जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये पीछे आएगा, ठीक है। ऊपर में टूल पोस्ट लगे हुए हैं, टूल को तो आप अरेंज कर ही सकते हो। उसके बाद ये वाले क्रॉस लाइट है, इसको आप जहां पे ले जाना है वहां फिक्स कर दो। उसके बाद क्रॉस लाइट को जैसे आप घुमाओगे, वो इसके जैसे कि ये फॉरवर्ड रिवर्स, इसका ही एकदम 90 डिग्री इंक्लाइन है, ठीक है, 90 डिग्री, अगर इसको क्या बोलते हैं टेंजेंशियली, ये सिर्फ ऐसे मूव करेगा। देखो क्रॉस लाइट कैसे मूव करेगा, ऐसे,
और कंपाउंड इज ऐसे पूरा पूरा मशीन को कांस्टेंट करने के बाद ही हम इसको चलाएंगे क्रॉस लाइन ऐसे ऐसे, समझ में आएंगे, ऐसे मूव करेगा। अब उसके ऊपर जो है ये टूल पोस्ट है, यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे कटिंग टूल लगा हुआ है, यहाँ पे एडजस्ट करा दिए, इतना बड़ा मान लो यहाँ पे हमने एडजस्ट करा दिया है, इतना बड़ा है हमारा, ये हमारा जॉब है, यहाँ पे हमने कटिंग टूल लगा दिया है, यहाँ पे इस तरीके से हमने कटिंग टूल लगाया हुआ, तो ये वाले जो पोर्शन है ये तो हमारा फिनिशिंग हो गया। अब क्या करना है, हमको इतना ही नहीं करना है, जैसे कि ये वाला, जैसे ये आपको नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन फिनिशिंग है, इसके हमको इसी का डिस्टेंस में मतलब इतना ही डेप्थ में इधर आपको जाना है, तो डेप्थ लेने के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस लाइट जैसे डेप्थ लेना है मतलब, तो और थोड़ा सा अंदर जाना है और डीप लेके काटना है, उसके लिए क्रॉस लाइट को मूव करोगे, तो क्रॉस लाइट को जैसे ही मूव करोगे तो वो थोड़ा सा अंदर जाएगा, मतलब एक टूल जाके टूल इसके अंदर और धसेगा, उतना धस गया, उसके बाद क्या करना है आपको, उतना तो कटिंग हो गया वो तो मूव कर ही रहा है, धस गया इतना धस गया, उसके बाद आपको पूरा का पूरा सरफेस को उसी के डेप्थ में पूरा आपको सरफेसिंग कर देना है, तो उसके लिए क्या करोगे, ये वाली पोर्शन को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि यहां से जैसे ये आगे बढ़ेगा मतलब कि टूल्स में कटिंग भी होते रहेगी, तो मूव कर ही रहा है ना, टूल्स कटते करते 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 यहां तक ले जाएगा, पूरा फिनिशिंग कर देगा, फिर वापस आप उसको इसको जो टूल को थोड़ा दूर कर लो, जॉइंट जो था उसको दूर कर लो, फिर आप वापस ले आइए, इस तरीके से आप सरफेस फिनिशिंग कर सकते हो, मतलब काफी सारे काम जो है दोनों के अरेंजमेंट से आप कर सकते हो, ऐसे ही मैक्सिमम काम जो है इसके हिसाब से होता है, इसमें और भी काफी सारे फंक्शंस हैं जो कि आपको थ्योरेटिकली काफी कम समझ में आएंगे, वो आपको प्रैक्टिकल ही समझ में आएगा, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए पीछे आते हैं आपके टेलीस्कोप का दो काम होता है बेसिकली, जब हमारा ये जो वर्कपीस है वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, तब क्या होता है कि वर्कपीस लंबा होने के कारण जब ये मूव करता है थोड़ा सा मे भी टिल्ट हो या अप डाउन हो, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, ये जो आपके डेड सेंटर है यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया जाता है, इतना लंबा है तो यहाँ पे लगा दिया, ये भी मूव करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है अप डाउन को रोक देता है, यहाँ पे ये फिक्स हो जाता है, उसके बाद ये मूव कर ही रहा है आप बीच में जितने भी जो भी काम करना है ये तो इधर उधर हो ही रहा है, आप काम करते रहो तो वहां पे इसलिए यूज करता है। दूसरा बात, ये जो आपका डेड सेंटर है इसको आप निकाल के यहाँ पे ड्रिल बिट भी लगा सकते हो, अगर आपको ड्रिल करना है लंबा ड्रिल करना है तो फिर यहाँ पे आप ड्रिल बिट लगा के इस, ये तो मूव होता ही है, ये बेड है, बेड पे ये पोर्शन मूव होता है, और ये जो पोर्शन होता है हेड स्टॉक ये कॉन्स्टेंट रहता है, तो ये दोनों पोर्शन मूव करता है, इसको अगर आपको ड्रिलिंग करना है तो आप टेल स्टॉक में लगा लो ड्रिल बिट, फिर आगे ले जाओ फिर कर लो, यहाँ पे आप रिमिंग भी कर सकते हो रिम बिट लगा के, ठीक है, उसके नीचे जैसे ही आते हैं अब थोड़ा सा पार्ट आप कर ले जाता है, क्या ये वाले गियर बॉक्स हम क्यों लगाए हैं और ये लेड स्क्रू जो है इसका काम क्या है। देखिए काफी सारे ऐसे काम है जो आप अपने हाथ से करते हो तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एक कांस्टेंट डेप्थ आपको जितना लेना है ये सारी चीजें नहीं हो पाती, तो कुछ चीज को ऑटोमेटिकली करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक गियर रहता है, ठीक है, ये जो आपका लेड स्क्रू है, ठीक है, इसके साथ जैसे ही आप ये सेडल है सेडल को मूव कर देते हो ये क्या करता है, ये वाली इसका जो काम होता है ये फ्री हो जाता है, कंपाउंड रेस फ्री हो जाता है, कंपाउंड रेस को नहीं चला सकते, ये क्या होता है, ये जो थ्रेड है इसके साथ एक गियर मैच हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अब ये भी ये जो थ्रेड है ये थ्रेड स्क्रू ऑन करने के बाद ये भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, अब ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसके थ्रेड में अगर कोई गियर फंसा जाएगा घूम रहा है तो धीरे 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 देखिए हाथ जैसे आगे बढ़ रहा है ऐसे ऐसे ये वाला पोर्शन में आगे बढ़ जाता है, इस टाइप से एक कॉन्स्टेंट स्पीड देता है ये, यहां से अगर थोड़ा और स्पीड बढ़ाना तो यहां से हम इसको बढ़ा सकते हैं आगे पीछे कर सकते हैं, तो इस टाइप से इसको एक कॉन्स्टेंट स्पीड दे देता है, ठीक है, ये जो आपका बड़ा वाला इलेक्ट्रॉन है इसको, तो मशीन को ऑटोमेटिक करने के लिए ही हम लेड स्क्रू यूज करते हैं। जब देखिए कोई भी बार क्या होता है कि हमको थ्रेड करना है, थ्रेड मतलब टीपीआई थ्रेड पर इंच, एक इंच में आपको कितना थ्रेड चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको अरेंज करना पड़ता है, उतना ही स्पीड में आपको चलाना रहता है तभी आप थ्रेड कर सकते हो, अगर आप हाथ से काटते हो या स्पीड अप डाउन करते हो तो आपके एक थ्रेड के ऊपर दूसरा थ्रेड चढ़ जाता है, आपकी थ्रेड वेस्ट हो जाती है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें से आपके जो बेसिक्स वर्क है मैंने आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोगों को सारे के सारे चीजें बता दिया, और इसमें
ठीक है, बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता दिया, इसके बाद मैं आप लोगों को अलग अलग लेके बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एक क्लास में आपको हेड स्ट्रोक बताने की कोशिश करूंगा, टूल स्पोर्ट्स अलग क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। ऐसे तो टेल स्ट्रोक का बहुत कम पोर्शन है, तो टेल स्ट्रोक और ये जो बेल्ट बेल्ट का फंक्शन एक ही क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। तो अच्छी क्लास इतना ही में ही खत्म करते हैं। देखिए शॉर्ट शॉर्ट क्लास में आप लोगों को जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो धन्यवाद, फिर से वही बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं टेक्निकल से रिलेटेड है शेयर करते रहिए, काफी सारी नॉलेज मिलेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको बीटेक का हो या डिप्लोमा का हो या आईटीआई का हो, अगर आप इंटरव्यू में जाते हो कहीं पे भी, तो ये बेसिक जो क्वेश्चंस लेट से होते ही है, और लेट से ही एडवांस होके सीएनसी बनाया, अगर सीएनसी में भी आप काम करते जाते हो, तो अगर आपको लेट में नॉलेज नहीं है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद।